5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। आजम कब चले जाओ, क्या सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। मोदी ने वो जज्बा दिखाया जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। भारत देश में कुछ मुद्दे ही हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया भी हमारा देश के जरूरी मुद्दों को छोड़कर किन्हीं और मुद्दों पर ही व्यस्त रहता है। लॉकडाउन के बाद से जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दे। ये कितने प्रतिशत है, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। सरकार ने आंकड़े देने भी बंद कर दिए हैं। आज हम आपको कुछ आंकड़े वो बताएंगे जिसमें हम बाकी देशों के मुकाबले हमारा देश कहाँ खड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जीडीपी के मामले में हमारा देश 5वें नंबर पर है, और 2019 के डेटा के मुताबिक टोटल नॉमिनल जीडीपी हमारी 2.94 ट्रिलियन की है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार कहते सुना होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। उनके मुताबिक हम 2024 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े, तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। अभी जो जीडीपी रेट है वह है 3.1%, जो कि काफी कम है, और ये कम होता ही जा रहा है लगातार। 2013 में देश का जीडीपी एनुअल ग्रोथ था 6.4% का, और अब आधा रहकर 3.1% हो गया है। देश में मंदी का काफी दौर है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 के पार पहुंच चुके हैं। मोदी जी ने 2014 से पहले तब की यूपीए सरकार की इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफी आलोचना भी की थी। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हम पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हर चीज काफी कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर तो मीडिया और बीजेपी नेता काफी सक्रिय रहते हैं। तो आइए बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। दुनिया में भुखमरी के मामले में हम 117 कंट्रीज के मुकाबले में 102 नंबर पर हैं, और पाकिस्तान 54 नंबर पर। इस मामले में पाकिस्तान हमसे आगे है। इसका मतलब भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी के मामले हैं। अगर भुखमरी की बात करें तो इसी साल 2020 में हमने मजदूरों को भूखे प्यासे सड़कों पर चलते देखा। कई किलोमीटर पैदल चलकर वे अपने घर तक पहुंचे। कहां से आ रहे हो आप लोग? आनंद बिहार। आनंद बिहार। कहां जा रहे हो आप लोग? आजमगढ़। कैसे जाओगे इससे? क्या इसी तरह तो जाना ही है यहाँ भूखे। कहां आजमगढ़ कैसे जाओगे? यहाँ से पैदल पैदल चले जाओगे सर जी? पैदल पैदल चले जाएंगे। आजमगढ़ चले जाओगे? क्या सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। कैसे आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया 1100 किलोमीटर रोहतक से सासाराम? पड़ता है, मजबूरी है तो करना ही पड़ता है। हाँ? मजबूरी सब कराता है ना सर। तो आप 2 रात हो गई आप लोगों को? हाँ, तो आज चलेंगे तो 2 रात हो जाएगा। पैरों में दर्द हो रहा है?
दर्द तो हो रहा है सर। हाँ, अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर के मामले में हम कहाँ खड़े हैं? अगर 2019 के डेटा की माने तो हमारा स्थान दुनिया भर में 150 है। कोरोना के मामले की अगर बात करें तो 17 जुलाई तक 10 लाख केस इंडिया में हो चुके हैं। स्कूप रूप अनस्क्रिप्टेड ने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की जो कोरोना दौरान हॉस्पिटल की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था फादर को, और इन्होंने वो डॉक्टर जो यसलो साहब है उससे ही बात हुई, उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, वो तारीख हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा, वो तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए, आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापिस आ जा रहे, वो कह रहे इस वार्ड में चले जाओ उस वार्ड में चलो, फिर पेशेंट है गायब है मिसिंग है यहाँ से, आज 6 डेज हो गया, 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर, डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है, सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो, 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूं फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, यही नहीं पता फादर है कहां, यही नहीं पता फादर हमारे है कहां, जिंदा है भी कि नहीं है, कुछ तो हमें रिस्पांस करो, 6 डेज हो गए। इसके अलावा बिहार में कम टेस्टिंग का मुद्दा भी सुर्खियों में है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना केस दिन प्रतिदिन रफ्तार से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तो फेक वेंटिलेटर का उद्घाटन भी कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसका उद्घाटन किया वह बाद में एम्बू बैग्स निकले। अब बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। हमारा रैंक जिसमें 142 है, और अगर पिछले साल के आंकड़े की बात करें तो हमारा रैंक 140 था, जिसका मतलब हमारा रैंक इस साल 2 स्थान और गिर गया है। अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल का स्थान 112 है और श्रीलंका का 127। हमारा मीडिया पिछले कुछ सालों से सत्ता की तरफ झुक गया है और विपक्ष से सवाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों से पत्रकार और राइटर जो कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है उस पर देशद्रोह कानून लगा दिया जाता है। हाल ही की खबर की बात करें तो सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ पर भी देशद्रोह कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में उन लोगों की बात की जो सरकार खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जिन पर सरकार ने देशद्रोह का कानून लगाया, उनके हालात के बारे में रवीश ने अपने प्राइम टाइम में एक रिपोर्ट दी जो आप भी देखिए। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव केस में बंद है। 22 महीने से इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। नागरिकों के अधिकार के लिए हुई कई लड़ाइयों में शामिल रहे, 4 दशकों से कई ऐसे समूह का हिस्सा रहे हैं जिसने फैक्ट फाइंडिंग की है और सरकारी नजरिए से अलग रिपोर्ट दी है। क्या यह खराब काम है? गुजरात और चेन्नई में पोस्टिंग के दौरान झुग्गियों में जाकर किसी को पढ़ाना क्या गलत काम है? इसी केस में तेलुगु के बड़े कवि वरवर राव बंद हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब जाकर उन्हें जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन क्या यूएपीए जैसे कानून इसलिए हैं कि किसी को अनगिनत साल या महीनों के लिए बंद कर दिया जाए? उसी तरह से डॉक्टर कफील खान को जब 10 फरवरी को जमानत मिली तो 4 दिनों के बाद 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 मई को 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी सरकार की तारीफ ही कर रहा है और ना कि सवाल। इतनी ऊंचाई पर अक्सर लोगों को सिरदर्द, उल्टी, थकावट और चक्कर आने लगते हैं, लेकिन 69 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से सीधे जाकर मुलाकात की। जो तस्वीर आज पूरे देश ने देखी वो ऐतिहासिक है, जो सरप्राइज आज चीन को मिला वो भी ऐतिहासिक है, और जो जवाब मोदी विरोधियों को मिला वो भी ऐतिहासिक है। मोदी ने वो जज्बा दिखाया जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। आज मोदी ने चीन के साथ साथ दुनिया को दिखा दिया भारत बदल चुका है। मोदी ने वक्त भी खुद चुना, मौका भी खुद चुना और जगह भी खुद चुनी। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि बेरोजगारी की। सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा देना तो बंद ही कर दिया है। CMIE संस्था है जो देश में बेरोजगारी के आंकड़े को जनता तक पहुंचाती है। अगर जून 2020 के आंकड़े की बात करें तो देश में बेरोजगारी दर 10.9% है। पिछले महीनों की बात करें तो मई और अप्रैल में ये दर 23% तक पहुंच गई थी। 2019 में ये दर 7.34 थी। रवीश ने अपने प्राइम टाइम में बढ़ती बेरोजगारी पर भी बात की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है वो कहां जाए? कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है।
देश का नौजवान रोजगार के मुद्दे को लेकर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर रोज संघर्ष कर रहा है, लेकिन मार्च 2019 में रेलवे ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी के फॉर्म भरे गए थे जो फरवरी में निकले थे। उसके बाद से ये नौजवान रोज पूछते हैं कि पैसे देकर फॉर्म भरा है, परीक्षा कब होगी ये तो बता दीजिए। कोविड 19 के दौर में कहा जा रहा था कि हेल्थ सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, जाने कितने अस्पतालों में हेल्थ वर्करों के अनगिनत पद खाली। उनके भरे जाने के किसी भी अभियान के बारे में आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा। कहते हैं ना कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, पता है ना आप सबको? नहीं पता है कहाँ पता है। ये थे कुछ आंकड़े जो हमारे देश की असल स्थिति बताते हैं कि हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले कहाँ पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।